हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ 12 5G फ़ोन है, तो IQ 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं IQ 12 5G फ़ोन में, और OTG पेन ड्राइव को कैसे कनेक्ट करके OTG के जरिए फाइल ट्रांसफ़र वगैरह भी कैसे कर पाएंगे IQ 12 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG पेन ड्राइव को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं IQ 12 5G फ़ोन में, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं OTG पेन ड्राइव को किसी भी दूसरे डिवाइस में, तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG पेन ड्राइव कैसे कनेक्ट कर सकते हैं IQ 12 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपके पास में ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, तो क्लिक करते ही आपको सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में OTG का यूज़ कर सकते हैं और OTG कनेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली इसे सेलेक्ट करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे चले जाना है। तो जब आप ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे जाते हैं तो OTG को कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली बस OTG ऑन कर लेने, ऑन करते ही आप OTG को कुछ ही मिनट के अंदर आप कनेक्ट कर पाएंगे, और कनेक्ट करते ही फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे OTG के जरिए। तो इस तरीके से OTG पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं OTG पेन ड्राइव के जरिए। और आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं जिसका आप यूज़ करके OTG पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। सिंपली आप सर्च करते हैं OTG, तो OTG सर्च करते हैं तो इस पे जाकर भी OTG पेन ड्राइव को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ऑन करके OTG को कनेक्ट भी कर सकते हैं फ़ोन में। तो इस तरीके से भी OTG पेन ड्राइव को आप कनेक्ट कर सकते हैं IQ 12 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।